सो गाइस आज हम सीखेंगे वर्ड टेफिक साइंस मीनिंग्स इन हिंदी एंड इंग्लिश विद पिक्चर्स। ये है वाइड वर्ड साइन, इसको हिंदी में चौड़ी सड़क बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे चलकर सड़क चौड़ी हो जाएगी। और ये है नैरो वर्ड साइन, इसको हिंदी में संकरी सड़क बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे चलकर सड़क संकरी मतलब की पतली हो जाएगी, कृपया गाड़ी ध्यानपूर्वक चलाएं। और यह है मैन एट वर्क साइन, इसको हिंदी में कार्य प्रगति पर ही बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे सड़क की मरम्मत हो रही है, मजदूर सड़क बना रहे हैं, इसलिए गति धीमी रखें और सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। यह है नो हॉर्न साइन, इसको हिंदी में हॉर्न निषेध बोलते हैं। इसका मतलब है कि बेवजह हॉर्न बजाने की अनुमति नहीं है। यह है नो एंट्री साइन, इसको हिंदी में प्रवेश निषेध बोलते हैं। इसका मतलब है कि मार्ग में वाहन प्रवेश करना मना है। यह है स्पीड लिमिट साइन, इसको हिंदी में गति सीमा बोलते हैं। इसका मतलब है कि चालक अपने वाहन को लगे सीमा बोर्ड के अनुसार ही चलाएं, उससे ज्यादा स्पीड में ना चलाएं। यह है वन वे ट्रैफिक, इसको हिंदी में एक तरफा ट्रैफिक बोलते हैं। इसका मतलब है कि एक ही दिशा में वाहन चला सकते हैं, उसे मोड़ नहीं सकते हैं या वापस नहीं आ सकते हैं। यह है नो पार्किंग साइन, इसको हिंदी में वाहन खड़ा करना मना है बोलते हैं। यह चिन्ह यह दर्शाता है कि यहाँ पर वाहन खड़ा करना मना है, यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते हैं। यह है स्पीड ब्रेकर और रोड हम्प, इसको हम इंग्लिश में स्पीड ब्रेकर और रोड हम्प दोनों बोलते हैं। इसको हिंदी में गति अवरोधक बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे स्पीड ब्रेकर है, कृपया वाहन धीमा कर लें और सावधानी से चलाएं। और यह है नो हेवी व्हीकल साइन, इसको हिंदी में बड़े वाहन वर्जित बोलते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर बड़े वाहन को चलने की अनुमति नहीं है। और यह है स्कूल साइन, इसको हिंदी में स्कूल चिन्ह बोलते हैं। और इसका मतलब है कि आगे स्कूल है, कृपया गाड़ी धीरे चलाएं। और यह है लेफ्ट टर्न साइन, इसको हिंदी में बाएं मोड़े बोलते हैं। इसका मतलब है आगे चलकर बाएं मोड़ना है। और यह है नो लेफ्ट टर्न, इसको हिंदी में बाएं ना मोड़े बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे चलकर बाएं ना मोड़ें। और यह है राइट टर्न साइन, इसका हिंदी मतलब होता है दाएं मोड़ें। और इसका मतलब है आगे चलकर दाएं मोड़ें। और यह है नो राइट टर्न साइन, इसको हिंदी में दाएं ना मोड़े बोलते हैं। इसका मतलब है आगे चलकर दाएं ना मोड़ें। और यह है एनिमल साइन, इसको हिंदी में पशु चिन्ह बोलते हैं। इसका मतलब है कि इस मार्ग पर कुछ पशु मिल सकते हैं, इसलिए वाहन को धीमा कर लें और सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। और यह है बोट और फेरी साइन, इसको हम बोट साइन और फेरी साइन दोनों बोलते हैं। इसको हिंदी में हम नौका चिन्ह बोलते हैं। यह चिन्ह वाहन चलाने वालों को आने वाली नदी के बारे में बताता है कि नदी में नौका हो सकती है, इसलिए वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं और गति धीमी रखें। और यह है साइकिल क्रॉसिंग साइन, इसको हिंदी में साइकिल क्रॉसिंग बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे साइकिल क्रॉसिंग है, जिस पर साइकिल चलाने वाले निकलते हैं, कृपया गाड़ी को धीरे चलाएं। यह है गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, इसको हिंदी में संरक्षित लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग या रेलवे फाटक है। यह है अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग, इसको हिंदी में निगरानी रहित क्रॉसिंग बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, लेकिन यहाँ पर फाटक नहीं है, इसलिए रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय दाएं बाएं देख लें, फिर क्रॉसिंग करें। यह है वाई इंटरसेक्शन साइन, इसको हिंदी में वाई चौराहा बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे सड़क को वाई आकार में विभाजित किया गया है।
यह है व्हाइट रिवर्स बैंड। इसको हिंदी में दाएं मोड़ का फिर आगे बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे सड़क जेड आकार की है, पहले दाएं तरफ मोड़ें फिर आगे जाएं। और गाइस, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर englishy.in पीडीएफ डाउनलोड सर्च कीजिए, हमारे ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप इस वीडियो की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यह है लेफ्ट रिवर्स बैंड। इसको हिंदी में बाएं मोड़ का फिर आगे बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे सड़क जेड आकार की है, पहले बाएं तरफ मोड़ें फिर आगे जाएं। यह है टी इंटरसेक्शन। इसको हिंदी में टी चौराहा बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे सड़क टी आकार की है, मतलब कि आगे सीधा रास्ता नहीं है, कृपया वाहन को धीमा कर लें और फिर सावधानी पूर्वक दाएं या बाएं की ओर जाएं। यह है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। इसको हिंदी में पैदल यात्री क्रॉसिंग बोलते हैं। यह चिन्ह जेबरा क्रॉसिंग से पहले लगाया जाता है। इस चिन्ह का मतलब है आगे पैदल यात्री सड़क पार कर सकते हैं, कृपया वाहन को धीमा कर लें। यह है नो एंट्री फॉर पेडेस्ट्रियन साइन। इसको हिंदी में पैदल यात्री निषेध बोलते हैं। इसका मतलब है कि पैदल यात्रियों को यहां से सड़क क्रॉस करना मना है। और यह है राउंड अबाउट। इसको हिंदी में गोल चक्कर बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे गोल चौराहा है, कृपया गाड़ी को ध्यानपूर्वक चलाएं। और यह है यू टर्न साइन। इसको हिंदी में यू टर्न ही बोलते हैं और इसका मतलब है कि आगे सड़क यू आकार की है, कृपया गाड़ी को ध्यानपूर्वक चलाएं। और यह है यू टर्न प्रोहिबिटेड। इसको हिंदी में यू टर्न निषेध बोलते हैं और इसका मतलब है कि आप वाहन को मोड़ नहीं सकते, जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसी दिशा में आप चलते रहिए। और यह है स्टीप डिसेंट साइन। इसको हिंदी में तीव्र ढलान बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे सीधा ढलान है, कृपया वाहन को धीमा कर लें। और यह है स्टीप एसेंट साइन। इसको हिंदी में तीव्र चढ़ाई बोलते हैं और इसका मतलब है कि आगे सीधी चढ़ाई है, कृपया वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं। और यह है स्लिपरी रोड साइन। इसको हिंदी में फिसलन भरी सड़क बोलते हैं। इसका मतलब है कि आगे सड़क पर फिसलन है, कृपया वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं। और यह है नो ओवरटेकिंग साइन। इसको हिंदी में ओवरटेक निषेध बोलते हैं और इसका मतलब है कि सड़क पर ओवरटेक करना मना है। और यह चिन्ह घुमावदार रास्तों तथा पहाड़ी रास्तों पर देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसे रास्तों पर सामने से आने वाली गाड़ी दिखाई नहीं देती है। और यह है नैरो ब्रिज साइन। इसको हिंदी में संकरा सड़क बोलते हैं। इसका मतलब है कि जिस पुल पर आप वाहन चला रहे हैं वह आगे संकरा, मतलब कि पतला होने वाला है, इसलिए गति धीमी रखें। और यह है फॉलिंग वॉक साइन। इसको हिंदी में चट्टानों का गिरना बोलते हैं और इसका मतलब है कि आगे अगर मौसम खराब हुआ तो भूस्खलन हो सकता है, चट्टानें गिर सकती हैं, कृपया वाहन को सावधानी पूर्वक चलाएं। सो गाइस, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हम इस साइन को क्या बोलते हैं। और गाइस, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर englishy.in पीडीएफ डाउनलोड सर्च कीजिए, हमारे ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे और वहां से आप इस वीडियो की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।